हरिओम, मैं संध्या वीरा पागनीस उज्जैन उपासना केंद्र से हूँ। मेरा 2018 का अनुभव है। मेरा बेटा मुंबई में जॉब करता है। वो रोज की तरह बस से अपने ऑफिस जा रहा था। रोज ही जाता है, रोज ऑफिस में। उसके पता है कि उसको बस में कितने पैसे लगने हैं, वो कितना कुछ, तो वो वॉलेट ऐसा बैग में से निकालता नहीं है। उस दिन वो यही हुआ कि वो अपने ऑफिस में गया, उसने कैफेटेरिया में जाके लंच लिया, ये किया, उसने कहीं पैसे वैसे निकाले नहीं थे। और वापस रोज की तरह शाम को ऑफिस से घर आ रहा था। घर आने के बाद भी उसने ऐसा कुछ पता नहीं चला। दूसरे दिन उसे ऐसा लगा कि मेरा वॉलेट कहाँ चला गया, तो उसने सब दूर ढूंढा कि वॉलेट नहीं मिल रहा है, नहीं रहा। उसने मुझे फोन किया कि मेरा आज पर्स नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ का, तुम कहीं देखो बैग में ही होगा, तुम बैग में रखा होगा। बोले नहीं, उसमें नहीं है, बैग में नहीं है। तो ना तुम जहाँ खाना खा रहे थे वहां गिरा होगा। तो बोले ठीक है, मैं पता करता हूँ। तो मैंने, मुझे इतना भरोसा था क्योंकि मैं पूजा कर रही थी और मुझे था कि बापू है, कुछ नहीं होगा। क्योंकि उस पर्स में मैंने उसके पास बापू का एक फोटो दे रखा हुआ है, उस पर्स में ही रहता है। तो मैंने कहा बापू है, मैंने सिर्फ बापू से यही प्रार्थना की, बापू मेरे को कुछ नहीं पता, उस पर्स में आपका फोटो है, वो पर्स कहीं भी नहीं जाएगी, मुझे पता है। क्योंकि उस पर्स में उसके सभी कार्ड्स थे, लाइसेंस था, आधार कार्ड था, सभी जितने भी जरूरी का वो थे, वो सब उसी में थे। पर एक भाव, मतलब एक विश्वास था कि वो पर्स कहीं नहीं जाएगा क्योंकि बापू का फोटो उस पर्स में है। मैंने सिर्फ बापू से इतना ही कहा कि बापू उसका, आपका फोटो उस पर्स में, वो पर्स कहीं नहीं जाएगा, मुझे इतना ही पता है। वो दूसरे दिन ऑफिस गया, उसने ऑफिस जाके भी अपना बैग ढूंढा, वहां पे जाके टेबल पे ढूंढा कि कहीं यहाँ रह गया होगा, कहीं कहीं नहीं मिला। उसने अपने कैंटीन में जाके पूछा कि वहां पे कहीं मिला दिखा तो, उसने वहां जाके पता किया तो बोले नहीं, यहाँ पे तो आपको कोई पर्स वर्स नहीं मिला। उसने एक सिक्योरिटी से पूछा तो उसने सीसीटीवी कैमरे में भी बताया कि यहाँ पे भी आपने सिर्फ आपका पैसे जो ऊपर थे वो ही निकालते, आपने वॉलेट निकाला ही नहीं है यहाँ पे। बोले ठीक है, पता नहीं कहाँ है, अगर ऑफिस में नहीं है, कहीं नहीं है, तो गया वो पर्स। तो उसने उसी समय बैंक सब दूर जाके अपने कार्ड जो थे वो सब दूर ब्लॉक करवा दिए कि उसका कोई दुरुपयोग न करे। इसी तरह उसने मुझे बोला कोई नहीं, कोई बात नहीं। मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं था कि उसका पर्स खो गया है तो मुझे बहुत टेंशन होगा कि क्या होगा, अब इसका क्या होगा। ठीक है, बापू की कृपा देखो कि वो जब रात को बस से वापस ऑफिस से बाहर निकला, उसको वही बस जिस बस में वो एक दिन पहले गया था वही बस उसको मिली। वो बापू की लीला ही हो सकती कि वही बस आना आने और उसी बस में बैठने के बाद उसने बोला कल से आज तक मैं तो पता नहीं वो पर्स कहीं भी चला गया और क्या मिला, फिर भी मैं कंडक्टर से पूछता हूँ। उसने कंडक्टर से पूछा कि आपको कोई पर्स मिला क्या कल इसमें, तो उसने किसका था, बोले मेरा था। तो बोले क्या क्या था, तो उसने सब बताया कि ये, तो बोले मैं कल से परेशान हो रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई नंबर नहीं था, फोन नंबर, कि मैं लौटा सकूं। मैं ये पर्स मैं अभी पुलिस थाने में जमा कर रहा था। तो ये बापू की ही कृपा है कि वो पर्स, तो मतलब कैसे ये पर्स, तो बोले ये आपके जो सीट है उस सीट के नीचे पीछे गिरा हुआ पर्स मुझे ये मिला है। तो इसकी बैग में से इसने पर्स निकाला नहीं था, वो बैग जो उसकी बैग थी वो ऐसी टेढ़ी हो गई, उसमें से वो पर्स निकल के बाहर गिर गया था, उसको किसी को नहीं। और दो दिन बाद यानी वही बस मिला, वही बस, रोज की बस नहीं, जो कंपनी की बसेस होती है वो कभी भी आती है कभी भी जाती है, वही बस मिलना ये सहयोग नहीं, बापू की ही कृपा हो सकती है और बापू की लीला हो सकती है कि बापू का फोटो सिर्फ उसमें था और बापू उसके वजह से ही उसको वो पर्स मिलना और सब कुछ हुआ। और वो बच्चे हैं जो इतने जल्दी इन सब चीजों को बिलीव नहीं करते, लेकिन उसने तुरंत मुझे फोन किया कि नहीं मुझे तो मेरा पर्स मिल गया, तेने कहा कि बराबर बापू है तो मेरा पर्स मुझे वही मिला। यही बापू की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे। श्री राम अम्बर।